नेक्स्ट लेवल भाई साहब, ऑल ओवर देखो बस। अभी मालूम चला कि मतलब मुफ्ती है आजम हिंद उसमें इमामत करवाया करते थे, मतलब इतनी खुशी की बात है यार कि मतलब भाई देख लो, मैं आप लोग के लिए बिल्कुल ऊपर आया हूँ। मतलब यहाँ से पूरा आप जो हर वीडियो में देखते हैं, हर चीज में देखते हैं, ये वो गुम्बद है आला हजरत का। वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये जो उर्स है आला हजरत का, ये है 105वां उर्स। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। फिलहाल मैं हूँ इस वक्त बरेली शरीफ में आया, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। सुबह सुबह इंटरव्यू है, ये मेरा रूम। तो जल्दी से जल्दी पहले मैं क्यों एक रूम टूर दे दूँ कि जल्दी निकलना भी हम लोग को, तो एक मैंने लिए रूम ले लिया था बेसिक सा। तो एक ये बेड, तो मतलब एक तो अजीसान भी है, बाकी इधर अगर देख लो तो इधर बस वही सब चाय कॉफी का सामग्री, और एक ये ड्रॉ था, बाकी ये अपना कुछ लुक। तो यार बिल्कुल आज जो है कि टोपी वगैरह सब लगा के गेट लुक एकदम, देख लो ये वाला तरीका आ चुका है। और जल्दी से निकलते हैं लोग क्योंकि शाम भी होने वाला है, और आज जो है 11 तारीख है, तो 11 तारीख के दिन मतलब मिलाद है और मदरसे पे भी जाना है। पहले तो सबसे पहले हाजिरी देने जाना है दरगाह शरीफ पे। तो चलो ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं लोग, जल्दी निकलते हैं लोग और सीधा मिलते हैं लोग। व्लॉग में बने रहो, लाइक जरूर कर देना यार। वैसे आते आते तो ऑलमोस्ट 11 बज चुका था स्टेशन पर, लेकिन यहाँ आते आते 1 बज गया क्योंकि थोड़ा दूर भी हम लोग ने आउटर पे लिया था। बट अभी निकल रहे हैं लोग, और यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है। तो चलते हैं लोग सीधा आला हजरत के दरगाह शरीफ पर। दरगाह शरीफ में चलते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, अर्जी वहाँ पर अपना देते हैं, जो भी मन्नत वगैरह है वो भी दी जाती है। फिलहाल चलो सीधे चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं। चलो जी, चलो टेम्पो से उतर गए हैं लोग। 20 मिनट की वॉक थी, रिक्शा वाले अराउंड 60 रुपये ले रहे थे, लेकिन हम लोग ने पता किया तो 20 मिनट की वॉक थी, तो हम लोग का पैदल ही निकल लेते हैं लोग। और यार बरेली के मतलब लोग को ना देखा मैंने, काफ़ी हार्मफुल और मतलब पीसफुल भी है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नया देख कैसे टूरिस्ट देख करके वो चीज़ मतलब लूटना या ये सब चीज़ नहीं है। मतलब 10 रुपये आराम से आप टैक्सी के दो, आराम से आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से 20 मिनट की वॉक है। फिर अभी हम लोग चल रहे हैं लोग धीरे से, कुछ भी अगर अच्छा था तो दिखाता हूँ आपको भाई। वैसे यहाँ से मेला जितनी भी है उसमें मतलब चालू हो गए, हलवा पराठा जो कि फेमस होता है हर मेले का। फिर हम लोग आगे चलते हैं लोग और चल के सीधा आगे दिखाते हैं। भाई जो ये रास्ता, ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही चलते जाओगे तो आगे जाके हजरत का जो मज़ा शरीफ आ जाएगा। और इसमें मतलब हर चीज़ है आपको, टोपी हो गया देख लो, ऐसे अतर हो गया, हर चीज़ मिलते रहेगा। चलो भाई एक अच्छी सी मस्जिद दिखाई दी, तो सबसे पहले वज़ू बना लेते हैं लोग, यहाँ पे सारे लोग वज़ू बना रहे हैं, उसके बाद चलेंगे लोग मजार शरीफ के अंदर। तो फिलहाल चलो वज़ू बना लेते हैं लोग, देख लो ये भी बहुत यहाँ पे सारे लोग वज़ू बना रहे हैं। चलो जी, चलो नमाज का टाइम भी हो चुका था, नमाज भी पढ़ लिए लोग, और अब बस यहीं पर एक मस्जिद थी तो अच्छी सी मस्जिद है। अब बस चल रहे हैं लोग दरगाह शरीफ में अर्जी पेश करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए। अब मौसम भी देख लो काफ़ी सुहाना सा हो रहा है और काफ़ी अच्छा मौसम बिल्कुल बना हुआ है। तो चलो पहले अब यहाँ से निकलते हैं लोग और सीधे चलते हैं लोग आला हजरत के दरगाह में, वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं लोग, उसके बाद वहाँ से निकल के तब मिलाद सुनने के लिए शाम में जाना रहेगा, तो फिर वहाँ से चला जाएगा। भाई साहब फिलहाल एक मिठाई की दुकान पर रुके हैं लोग, तो ये कुछ है तो ये वाला मिठाई मतलब ले लेते हैं लोग और फातिहा करवा कर देते हैं लोग, फातिहा करवा लेते हैं लोग। भाई वैसे अभी मैंने जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, अभी मालूम चला कि मतलब मुफ्ती है आजम हिंद उसमें इमामत करवाया करते थे, मतलब आला हजरत के जो है साहबजादे। तो मतलब इतनी खुशी की बात है यार कि मतलब मैंने वहाँ पर नमाज़ ज़्यादा की, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे अभी मालूम चला, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। भाई बारिश हो गई, हाँ जी। तो अब चल रहे हैं लोग सीधा फातिहा पढ़ने के लिए मजार शरीफ के अंदर, अब सीधा फातिहा पढ़ के आपसे मिलते हैं। भाई देख लो मैं आप लोग के लिए बिल्कुल ऊपर आया हूँ, मतलब यहाँ से पूरा आप जो हर वीडियो में देखते हैं, हर चीज़ में देखते हैं, ये वो गुम्बद है आला हजरत का, गौर से देख लीजिए क्योंकि ये ज़ियारत है। बस देख के आप माशाल्लाह कहिए, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। हजरत बोलो, 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 हजरत बोलो,
गाइस फाइनली मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझको कितनी खुशी होगी कि मतलब कैसे भी करके मैं अंदर मतलब चला गया दरगाह शरीफ के आला हज़रत के, वहाँ फातिहा भी पढ़ा, काफ़ी देर तक भी रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को वो हुई कि जो मेरे पीर साहब हैं मतलब अख्तर रज़ा, जिनको अजहरी मियाँ के नाम से जाता है, मैं उनके मतलब पर्दा करने के बाद कभी भी नहीं आया था, 5 साल पहले मतलब आया था, और उनका भी जा करके मैं मतलब वहाँ बैठा। और उसमें भी एक मतलब ख़ास बात कि असद इकबाल जो कि मतलब नात खां के बहुत बड़े माहिर जानते थे, वो आके बैठ गए और उन्होंने 1 घंटा बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा नाट सुनाया होगा। वो मजमा, वो भीड़ जो कि मतलब अंदर अलाउ नहीं है और ऐसे जगह पर अलाउ कैमरा उठेगा ही नहीं भाई, लेकिन वो जो मंजर था ना और वो जो चीज़ मैंने देखा है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। इतनी भीड़ उसके बीच में मतलब 1 घंटा अपने मुरीद के पास, अपने पीर के पास बैठना, ये एक अलग ही एक मुरीद के लिए मतलब एक फीलिंग है। और वो एकदम मतलब मैं किस तरीके से बताऊँ मुझे समझ में आ रहा है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं लोग एक और जगह, मैं बताता हूँ कहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये जो उर्स आला हजरत का ये है 105वां उर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं लोग मिलाद में मतलब एक जगह जहाँ पे जामतुल रज़ा है, जहाँ पे मतलब हुज़ूर ताजुल शरिया का मदरसा है और वहाँ पे सारे मतलब मिलाद होते हैं। तो ये कम से कम 8 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग अभी वॉकिंग करके जा रहे हैं लोग। और वहाँ पे एक मस्जिद है, जिस मस्जिद में 5 साल पहले जब आया था ना तो वहाँ पर मैं मतलब ऐसी वहीं पर सोया था, लेकिन अब वो चूँकि बन चुका है, वो मतलब चारों उसके बीच में कहीं पाया आपको नहीं दिखाई देगा, तो एक मतलब ऐतिहासिक मस्जिद है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लोग और वहाँ पे भी मिलाद आपको दिखाते हैं किस तरीके हो सकता है। हो सकता है मैं लाइव में भी जाऊँ, लेकिन देखता हूँ जिस हिसाब से। फिलहाल बने रहे वीडियो में और इसी तरीके से लाइक ज़रूर कर देना। फिर मैंने बता दिया था कि 105वां उर्स है और यार 10 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है जनता वो आई है। नेक्स्ट लेवल भाई साहब, देखो बस अपनी तमाम जामिया की तामीर और तरक्की के लिए पेश कर रहे हैं। जामिया तो रजा की इमदाद और जामिया तो रजा पर तवज्जो देना ये आज का नई फरीदा है। हमारे जहां बाबे बहार अपनी आगे हमारा नहायत इकराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के हम दुसार हकीक अल्लाह दो जहां में सबसे आला भाई साहब हमीदी मस्जिद जो कि बिल्कुल तुर्की की एक मस्जिद के बेस पर बना है। इसका रियल मतलब जो दिन में होता है मैं दिखाता हूँ, आप लोग देख लेना। भाई साहब अभी रात के बिल्कुल 12 बज चुके हैं और जो जुलूस मतलब जो कह लो जो मिलाद है वहाँ पे जो जलसा है वो मतलब चल ही रहा है अभी, तो मतलब अजद रजा भी आएंगे, उसके बाद दस्तारबंदी है, बहुत सब चीज़ें हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना थक गए थे लोग, सबेरे से निकले हैं हम लोग और अभी ये जो है ना ये करीब हम लोग का फिर 25 किलोमीटर दूर हम लोग का मतलब होटल भी है, तो अब यहाँ से निकलना है, यहाँ से जाना है और वहाँ का भी सारा चीज़ दिखाया यार, अब पूरी फुल मेहनत है। और ये वीडियो भी इस तरीके से है ना कि मतलब कोई व्यूज़ के चक्कर में नहीं है, मुझे अपना खूब लाइव एक्सपीरियंस लेना था और एक मेमोरी थी जो मतलब रखनी थी, क्योंकि मैं जब पहले आया था ना तो उस पर मैं तो मैंने यूट्यूब चालू किया नहीं था, लेकिन अब है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलो अब इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं एक और नए और प्यारे से वीडियो में, अभी बने रहना पूरा वीडियो आएगा, क्योंकि कल भी यहीं पे हूँ मैं, कल भी हूँ, कल रात में भी तक हूँ। चलो दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज, बाय बाय। अपने अपने कमरों पर रुके, देख रहे हो भीड़ जो उनके नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल भीड़।